माह रमजान का महीना समाप्त होने के बाद ईद मनाई जाती है और इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग कई दिनों से तैयारी करते हैं। वहीं रविवार को देश के कई शहरों में ईद का चांद नजर आया, जिसके बाद विभिन्न खानकाहों और मस्जिदों से सोमवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाने का ऐलान किया गया। भागलपुर के खानकाह सहवाजिया और खानकाह पीर दमड़िया से भी ईद के चांद देखे जाने की पुष्टि की गई। इधर ईद के चांद का दीदार होते ही रोजेदारों और छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा खुशी देखी गई। वहीं सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मस्जिदों से सामूहिक नमाज अदा नहीं करने का ऐलान किया गया। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी ईद के मौके पर सामाजिक दूरी का पालन करने का संयुक्त आदेश जारी किया गया है और मेला एवं जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इधर ईद के चांद का दीदार होने के बाद भागलपुर का बाजार कोरोना काल में कैसा दिखा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। जिस चांद के दीदार का लोगों को एक माह से इंतजार था, उस चांद का दीदार आज हो चुका है और सोमवार को ईद मनाई जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के तातारपुर चौक पर और हम आपको दिखाते हैं कि आज चांद रात है और लोग देखिए कि लॉकडाउन में किस तरह से खरीदारी करने के लिए निकले हैं। हालांकि जब यहाँ चांद रात होता था तो हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी और लोग सवे लच्छे की खरीदारी करते थे, कई तरह के पकवान यहाँ से लोग अपने घर ले जाते थे ईद की खुशियां मनाने के लिए। और दूसरी तरफ हम आपको तातारपुर मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं कि जब यहाँ सोमवार को सुबह में ईद की नमाज होती थी तो हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती थी और लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन जब कल ईद मनाई जाएगी तो यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन करेंगे और विभिन्न खानकाहों और मस्जिदों के द्वारा भी अपील की गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ अगर बात करें बाज़ार की तो बाज़ार बिल्कुल सूना है। इस बार ईद में चांद रात का आज दिन है और जिस तरह से तातारपुर बाज़ार की विशेष दुकानें ईद को लेकर सजती थी, आज बिल्कुल भी नहीं के बराबर दुकान लगी है और प्रशासन के द्वारा भी दुकान बंद कराया गया है और लोग बिल्कुल कम संख्या में सड़कों पर निकले हैं। हालाँकि खुशी मनाई जाएगी, ईद मनाई जाएगी, लेकिन ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ नहीं होगी। लोग अपने अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और खानकाह और मस्जिदों के द्वारा भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की गई। खास बात यह भी होगी कि इस बार लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एक दूसरे से गले भी नहीं मिलेंगे और ईद की बधाई देंगे। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता है, बधाई देता है और हम आपसे अपील करते हैं कि जिला प्रशासन का कोरोना वायरस के संक्रमण को चेन को रोकने में सहयोग करें और ईद की खुशियां मनाएं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजा जाएगा। इसको लेकर जिले भर में पुलिसिया गतिविधि तेज कर दी गई है। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने ईद की नमाज को लेकर सभी थानाध्यक्ष, पुलिस अधिकारी और खुफिया तंत्र को विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया है। पुलिस कप्तान आशीष भारती ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ईद के मौके पर लगने वाली भीड़ और मेले पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं एसएसपी ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए घरों में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। भागलपुर के सभी नागरिकों को, आवाम को मैं ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूं। रमजान के पाक माह में एक माह का रोजा रखने के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। लॉकडाउन के कारण लोगों को असुविधा जरूर इसमें हुई होगी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सभी लोग सख्ती से अनुपालन करें। मैं सभी से अपील करता हूं कि ईद उल फितर को पूरी खुशी और उमंग के साथ मनाएं, लेकिन ईद उल फितर की नमाज को अपने अपने घरों से ही अदा करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। ईद के पूर्व तथा बाद में भी आवश्यक होने पे ही खरीदारी करने जाएं। अगर आवश्यक नहीं है तो खरीदारी करने नहीं जाएं तथा अगर आवश्यक हो तो यह प्रयास करें कि एक घर से मात्र एक ही व्यक्ति बाजार जाए। यद्यपि लॉकडाउन 4 में सभी लोगों को कुछ पाबंदियां दी गई हैं, कई सारे प्रावधानों में काफ़ी कमी की गई है, परंतु कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या अभी लगातार बढ़ती ही जा रही है।
अतः ऐसे हालत में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। और इसीलिए सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तथा सभी लोगों की कोरोना से सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियात को जरूर बरतें तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। आखिर में सभी को फिर से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ तथा इस अपील को सुनने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से राज्य में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में ढील देने के बाद जनता में भी कोरोना का भय कम होता दिख रहा है। परिणाम स्वरूप लोग भीड़ लगा रहे हैं, घर से अनावश्यक बाहर जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार जा चुका है। इधर रविवार को भागलपुर से 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 76 पहुंच चुकी है। साथ ही रविवार को बांका से भी 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। भागलपुर में मिले संक्रमितों में से 2 मरीज सनहौला एवं 4 मरीज सुल्तानगंज का निवासी है। लगातार इतनी तेज रफ्तार से कोरोना के मरीजों में हो रही वृद्धि देश एवं पूरे मानव समाज के लिए चिंता का विषय है। लॉकडाउन में की जा रही लापरवाही के कारण राज्य में इस भयानक महामारी से जूझने वालों की संख्या 2500 को पार कर चुकी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को भागलपुर भी लाया जा रहा है। रविवार को दिल्ली में फंसे करीब 1200 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर जंक्शन पहुंची। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा बल एवं रेलवे कर्मियों द्वारा ताली बजाकर श्रमिकों का स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद श्रमिकों को अल्पाहार एवं पानी देकर बसों से क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। बता दें कि बाहर से आए सभी श्रमिकों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन की अवधि लंबी होने के कारण घरों में कैद लोगों की दिनचर्या में बदलाव का असर मनोविकार के रूप में सामने आने लगा है। वहीं लॉकडाउन के बीच लोगों में मानसिक तनाव के साथ पारिवारिक कलह भी बढ़ गया है। सामाजिक दूरी और आर्थिक तंगी के कारण लोग डिप्रेशन में जीने को मजबूर हैं। इधर भागलपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर ऋषि आनंद ने कहा कि लॉकडाउन में हर कोई किसी न किसी कारण से तनाव में है, लेकिन सकारात्मक सोच और कुछ नया करने के संकल्प के साथ इस समस्या पर विजय पाया जा सकता है। डॉक्टर ऋषि आनंद ने कहा कि मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए घर में ही रहकर लोगों को अपना पसंदीदा खेल खेलना चाहिए। अभी लॉकडाउन के कारण जो है डिप्रेशन की संख्या बढ़ गई है, लोग अवसाद में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि 24 घंटे वो घर में रहते हैं, उनके सोच और विचार में जो है काम करने की और घर से बाहर निकलने की बेचैनी और घबराहट रहती है कि वो कैसे बाहर निकलें और कैसे कमाना धमाना चालू करें। तो इस चक्कर में जो है आजकल डिप्रेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे आप बचाव कर सकते हैं, नियमित रूप से योगा करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करें, खाना समय पर खाएं, नियमित रूप से खेल कूद में भाग लें। उसके बाद भी अगर आप इससे नहीं निकल पाते हैं या अपने सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें, तो फिर मनोचिकित्सक का आपको मदद चाहिए। बांका के रजौन प्रखंड स्थित सांझा गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने एक मासूम को रौंद दिया। घटना में बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक बच्चे की पहचान सांझा मधाई गांव निवासी विजय शर्मा के 7 वर्षीय पुत्र सूरज के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह सूरज अपने भाई नीरज के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान भागलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दिया। घटना में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका भाई नीरज बाल बाल बच गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मौके पर पहुंचे परिजन आनंद फानन में सूरज को रजौन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। कहलगांव प्रखंड के मोहनपुर गोधट्टा पंचायत से डीलर द्वारा मनमानी रेट पर राशन वितरण करने का मामला सामने आया है। बता दें कि डीलर चावल के दाम में वृद्धि कर राशन वितरण कर रहा था। लाभुकों द्वारा इसका विरोध करने पर डीलर ने राशन देने से इनकार कर दिया। डीलर से नाराज लाभुकों ने बताया कि राशन वितरण में डीलर पहले भी मनमानी करता आया है। बता दें कि वार्ड नंबर 16 बुद्धूचक गाँव के डीलर प्रमोद राम से गाँव के लोग काफी परेशान हैं। वहीं जब इस मामले में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच कर डीलर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जब इसकी सूचना हमने प्रखंड निरीक्षक अधिकारी को हमने दिया तो उसका आवेदन हमने किया कि श्रीमान इस चीज को अमल किया जाए कि मेरे पास जितना कार्ड है उस कार्ड के अनुसार हमको दाल दिया जाए, ताकि कार्ड हम जितने भी हमारे लाभुक हैं सारे लाभुक को हम दाल जो सरकार की जो अनुमानित राशि जो दिया गया है उस अनुसार से हम कार्ड वितरण कर दाल वितरण करेंगे। लेकिन आवेदन दिया, आवेदन देने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से लगातार राहगीरों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा एवं जिला महासचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रविवार को स्टेशन चौक के समीप स्टॉल लगाकर प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। ईशान सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राहत वितरण के साथ लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मीडिया प्रभारी अमित कुमार, अवधेश कुमार के अलावा कई सदस्य मौजूद थे। कोरोना संकट में कई सामाजिक संगठन एवं युवा आगे आकर गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को राज्य महादलित आयोग के बैनर तले संजय राम की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला।
इस दौरान अरुण साह, अमन कुमार, जीतू सम्राट, शशि कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं की ओर से सराहनीय कार्य किया गया। आज का कार्यक्रम जो लॉकडाउन में जनमानस में जो दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि सभी गरीब गुरबा लोग हैं और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उन तमाम लोगों का हमने कलेक्शन करके और उसको सूचीबद्ध करके और पूरा डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमने सभी को खाद्यान्न बांटा। और हमें लगता है कि खास करके उसमें बूढ़ा बुजुर्ग महिला जो भी था, जो गरीबी के दायरे में है या ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों को हमने स्वस्थ सम्मान बुला करके और उसको पर्याप्त मात्रा में जो हमसे हो सका। लॉकडाउन के दौरान रोजेदारों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जिला परिषद सदस्य सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सबौर, जगदीशपुर एवं नाथनगर के विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर रविवार को जरूरतमंद रोजेदारों के बीच सेवई, फल एवं सूखा राशन बांटा। डॉक्टर अशोक ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण लोग दो वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं कई ऐसे परिवार हैं जो ईद के मौके पर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। उन सबके बीच ईद मनाने के लिए सामान उपलब्ध कराया गया है। मौके पर जगदीशपुर के पूर्व प्रमुख मोहम्मद रहमत उद्दीन, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद हुमायूं, रंजीत यादव, आनंदी यादव, पीयूष, संजीव, बिट्टू सहित कई लोग मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोरोना महामारी के कारण जो उपजी समस्या है और जितने भी गरीब, असहाय, बेरोजगार लोगों की समस्या जो बढ़ती चली जा रही है, उसी को देखते हुए युवा चेतना क्लब के द्वारा और राजद परिवार के द्वारा हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है और बेरोजगारी की दंश झेलते हुए जो लोगों को कष्ट हुआ है, उसको हम लोगों ने ये तय किया था कि किसी भी एक व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देना है। अलग अलग प्रदेशों से पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे प्रवासियों के लिए नवगछिया जीरो माइल में राहत शिविर की शुरुआत की गई है। नवगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पैदल चलकर आ रहे प्रवासियों के बीच नाश्ता एवं बिस्किट का वितरण किया गया। वहीं प्रवासियों की सेवा में एसडीपीओ परवेंद्र भारती, थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा, विहिप के प्रवीण कुमार भगत सहित कई लोग जुटे रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब तक प्रवासी पैदल आते रहेंगे तब तक यह सेवा जारी रहेगा। देखिए, वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार यह आवश्यकता महसूस हुई कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो बाहर से दिल्ली से पंजाब से बहुत जगह से आ रहे हैं, कहीं वो पैदल ही आ रहे हैं या कहीं पर ट्रक से आ रहे हैं, कहीं पर बस से उतर गए हैं, जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भूखे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, पुलिस परिवार की तरफ से भी, नवगछिया पुलिस परिवार की तरफ से भी यह सहयोग किया जाए। तो आमजनों के सहयोग से पुलिस परिवार के तरफ से आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों को यहाँ कुछ सूखा राशन दिया जा रहा है उनको कुछ।